हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। व्हाट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? एक्चुअल में ये डाल्टन पार्शियल प्रेशर मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेस होती हैं, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, यदि मान लीजिए किसी हम कंटेनर में रख देते हैं, ऐसी दो या तीन गैसेस या मोर देन टू और थ्री गैसेस जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तब उस कंटेनर के अंदर टोटल प्रेशर कितना होगा। मान लीजिए कि एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने दो गैस लिया या थ्री गैस लिया, ए बी सी, तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं होती हैं, तब उस कंटेनर में कितना प्रेशर होगा? एक के बराबर होगा कि तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा? तीनों का यदि हम सम इक्वल कर देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा। तो इसको देखना है, यदि नॉन रिएक्टिंग है, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए डाल्टन्स ने एक जर्नलाइजेशन दिया है और मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया है इसके लिए, किस तरह से एक दूसरे के साथ उनका पार्शियल प्रेशर मतलब प्रेशर ऑफ ए सिंगल गैस रिलेट करता है टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस से। तो इस लॉ को जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। तो जॉन डाल्टन ने 1801 में इस लॉ को फॉर्मुलेट किया था और इन्होंने ये माना कि जो डाल्टन पार्शियल प्रेशर होता है किसी गैस का, नॉन रिएक्टिंग गैस का, यदि हम उसको किसी कंटेनर में रखते हैं दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो टोटल प्रेशर उनके जो इंडिविजुअल प्रेशर हैं जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं उनके सम के इक्वल हो जाएगा। मीन्स इट दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल प्रेशर एग्जर्टेड बाई ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस इन ए डेफिनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर विच ईच गैस वुड एग्जर्ट इफ इट ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम अलोन एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यदि मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर एक कंटेनर लें जिसका वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इतना, अब इसी सेम साइज का दूसरा कंटेनर भी लिया और इसी तरह से हमने ये फिर सेम साइज़ का तीसरा कंटेनर भी ले लिया, तीनों का वॉल्यूम सेम है, मीन्स यहाँ पर भी वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, तीनों वॉल्यूम है। यहाँ पर एक गैस है ए, यहाँ पर दूसरा गैस है बी, इस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा ये मान लिया हमने कितना है, पी ए। अभी ये सिंगल गैस है, ये सिंगल गैस में इसका जो प्रेशर है वो पी ए है। मान लीजिए कि वॉल्यूम सभी का 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर और ये भी कितना है, 1 लीटर है। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर होगा सिंगल गैस का। इसी तरह से इसमें हमने दूसरा गैस लिया है बी, इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा जैसे पी बी। अब हम इन दोनों गैस को क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें रख देते हैं, ये गैस भी ये गैस भी, यहाँ पर ये पूरा मिक्सचर हो जाएगा गैसेस का, इसके अंदर गैसेस हैं ए और बी, दोनों गैस है, वॉल्यूम सेम है, तब टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी के इक्वल। मीन्स दोनों का यदि हम क्या ले लें इंडिविजुअल, क्योंकि एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये जितना प्रेशर यहाँ एग्जर्ट कर रहे थे उतना ही प्रेशर इस मिक्सचर में भी करेंगे यदि नॉन रिएक्टिंग है तब। तो टोटल प्रेशर यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब यही हुआ कि जो जो डेफिनेट वॉल्यूम इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर विच ईच गैस वुड एग्जर्ट इफ इट ऑक्यूपाइज द सेम वॉल्यूम अलोन एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यदि सेम वॉल्यूम यदि वो ऑक्यूपाई करते हैं तब भी वहाँ प्रेशर वही होगा, मिक्सचर में यदि हम उसको रख देते हैं तब भी प्रेशर सेम ही रहेगा। अब हम इसको दो से भी कर सकते हैं, तीन से भी लेकर के कर सकते हैं, फोर से भी कर सकते हैं, जितने से भी करना है उतने से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे मान लीजिए कि कंसीडर थ्री गैसेस ए बी सी, तो तीन गैसेस के मिक्सचर में जो टोटल प्रेशर हो जाएगा या तो पी टी लिख दें या सिर्फ पी लिख दें, इट इज़ इक्वल टू द पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। पी ए पी बी पी सी आर द इंडिविजुअल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ द डिफरेंट गैसेस, अलग अलग गैसेस का ये पार्शियल प्रेशर है या इंडिविजुअल प्रेशर है, और पी टी या पी इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। अब इसी को हमको मोल फ्रैक्शन के रूप में भी लिखना है, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन किस तरह से रिलेट करता है। पार्शियल प्रेशर मीन्स पी ए पी बी पी सी
किस तरह से उसके मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जैसे आप जानते हैं मोल कैसे फाइंड किया जाता है, बाय द गिवन मास अपॉन मोलर मास, और फिर मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, मतलब फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ ए मोल ऑफ ए कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टोटल मोल्स कितने हैं, उसमें से एक का कितना है, वो उसका रेशियो जो होता है मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो अभी जैसे आपने ये टोटल मान लीजिए 3 हमने गैसेस कंसिडर किया है, उसका पार्शियल प्रेशर है एक का पी ए, पी बी और तीसरे का है पी सी। दीज आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, बी गैस, सी गैस रिस्पेक्टिवली एंड पी टी इज़ द टोटल प्रेशर। एंड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से आपने पढ़ा हुआ है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मीन्स यदि हमें सिर्फ यहाँ पर पी चाहिए है तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर टी बाई वी, ये इक्वेशन हो जाएगा। अब हम इसके यदि ए गैस लेंगे तो इसको भी कितना लिखेंगे, जैसे फॉर ए गैस पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी, एन ए मतलब मोल्स ऑफ ए गैस। इसी तरह से सिमिलरली फॉर बी एंड सी गैस पी बी इज इक्वल टू एन बी आर टी बाई वी, और इसी तरह से पी सी इज इक्वल टू एन सी आर टी बाई वी। तो ये सभी के क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, बाकी वॉल्यूम सभी में सेम ही होता है। R और T तो ऑलरेडी यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, R इज़ ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये तीनों की वैल्यू इसमें रख दें, इस इक्वेशन में जो हमने बनाया हुआ है ये वाला पी टी इज इक्वल टू पी ए पी बी पी सी, यहाँ पर इसको पुटअप कर दीजिए तीनों को, ये इक्वेशन मान लीजिए 1, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पी ए पी बी एंड पी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट में रख देंगे, ये इक्वेशन सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, तो ये सभी वैल्यूज रख दीजिए। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए आर टी बाई वी प्लस एन बी आर टी बाई वी प्लस एन सी आर टी बाई सी, तो ये टोटल इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पर आर टी और वी तो कॉमन है, इनको कॉमन ले लेंगे, एन ए एन बी एन सी ये तीनों अलग अलग हैं, तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी और हमने ये कॉमन ले लिया आर टी बाई वी, ये इक्वेशन ले लिया फिफ्थ। तो ये टोटल प्रेशर हो गया यहाँ पर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर टी बाई वी, इट इज़ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस। अब हम ये करेंगे यहाँ पर हमें यदि पार्शियल प्रेशर चाहिए है तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पर उसके फाइंड करना हो, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पी ए पी बी या पी सी को किससे डिवाइड करना है, टोटल प्रेशर के इक्वेशन से, मीन्स इक्वेशन नंबर 5 से। तो यहाँ पर डिवाइडिंग इक्वेशन पी ए बाई फिफ्थ, इक्वेशन नंबर 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, तो इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे और ये डिवाइड करने पर जैसे पी ए अपॉन पी टी, पी ए इज इक्वल टू है एन ए आर टी बाई वी डिवाइडेड बाई पी टी, मीन्स ये इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इंटू आर टी बाई वी, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करने पर पी ए पी टी इज इक्वल टू एन ए आर टी बाई वी इंटू वी बाई आर टी और ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये आ जाएगा, V से V कैंसिल कर देंगे, R और T इनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा PA अपॉन PT इज इक्वल टू NA अपॉन
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस अपॉन टोटल में मोल्स ऑफ द गैसेस मिक्सचर, तो ये पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं एक्स ए। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ए गैस, ए गैस का मोल फ्रैक्शन है। मीन्स पी ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू पी टी इंटू एक्स ए, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। तो देखिए यदि हमें टोटल प्रेशर मालूम है और मोल फ्रैक्शन मालूम है तो हम उस गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। या पार्शियल प्रेशर दिया गया है और मोल फ्रैक्शन दिया गया है, तब हम उस गैस का टोटल प्रेशर भी, उन गैसेस मिक्सचर का टोटल प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली पी बी अपॉन पी टी कर देंगे तब भी हमको सेम तरीके से मिल जाएगा। तो पी बी इज इक्वल टू पी टी इंटू एक्स बी, और इसी तरह से पी सी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी गैस। तो ये रिलेशनशिप हो जाएगा किसके किसके बीच में, मतलब पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आ गया। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम उसको टोटल प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है। अच्छा, इसके बाद जैसे एप्लीकेशन ऑफ, यदि हम डाल्टन्स लॉ में देखते हैं तो इट इज़ आल्सो यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द प्रेशर ऑफ द गैसेस कलेक्टेड ओवर वाटर इन द लेबोरेटरी। यदि मान लीजिए कि वाटर के ऊपर कोई गैस कलेक्ट है तो उसमें टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा या उस गैस का प्रेशर कितना होगा, इसे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होता है जिसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक्चुअल में जो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर टोटल, और ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के इक्वल हो जाता है। ऑक्सीजन जनरली क्योंकि पाई जाती है और वाटर, अब यहाँ से यदि आप ऑक्सीजन का प्रेशर निकालना चाहते हैं तो जैसे ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये वाटर वेपर हो जाएगा, पी एच टू इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर, या इसे हम एक्वस टेंशन के नाम से भी जानते हैं। इस पूरे टर्म्स को एक्वस टेंशन बोला जाता है। एक्वस टेंशन मीन्स प्रेशर ड्यू टू द वाटर वेपर, वाटर वेपर के द्वारा जो भी प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है दैट इज ऑल्सो नोन एज एक्वस टेंशन। तो एक्वस टेंशन जो होता है इट इज़ डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट इसकी वैल्यू होती है, जबकि वहीं पर यदि हम कोई ड्राई गैस लेते हैं तो उसे तो कैलकुलेट करना आसान हो जाता है, लेकिन यदि वाटर के साथ है तो उसमें हमें साथ में वाटर वेपर का भी प्रेशर ऐड करना पड़ता है। तो इसके द्वारा भी हम पार्शियल प्रेशर हो या टोटल प्रेशर या मोल फ्रैक्शन ऐसे कैलकुलेट इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसके पहले हमने जैसे वेरियस लॉस के, गैस लॉस के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन वो सभी के सभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड थे, उसमें कोई मतलब ऐसा कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड नहीं था उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस वो थ्योरी पर डिपेंड है इस तरह से। तो साइंटिस्ट को मतलब ये जानने के लिए ज़रूरी था कि यदि हम जब हम गैस को कंप्रेशराइज करते हैं, प्रेशर कंप्रेस करते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, लेकिन ये तो टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस है, बट यदि हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो सिंगल मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, वो सिंगल मॉलिक्यूल मतलब साइज में छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा या क्या इफ़ेक्ट उस पर पड़ेगा, उसकी स्पीड पर उसकी एनर्जी पर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं थी। इसलिए आगे जब ये स्टडी किया गया उसके गैसेस के बिहेवियर को, तो उसमें एक नया थ्योरी जोड़ा गया, नया मॉडल जोड़ा गया जिसे हम मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट या फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का नाम देते हैं। और दिस थ्योरी जो है टेक्स इनटू अकाउंट द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर एज वेल एज कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल। ये उसके पार्टिकल नेचर और उन पार्टिकल्स के कांस्टेंट मूवमेंट मीन्स काइनेटिक मीन्स मोशन को भी दिखाता है कि एक तो मॉलिक्यूल हैं और दूसरे काइनेटिक मीन्स हमेशा मूवमेंट में भी रहते हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक मॉडल भी है क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे एटम और मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर पाता है। और इसको सबसे पहले दिया गया था
बर्नौली के द्वारा। तो ये बर्नौली ने सबसे पहले इस मॉलिकुलर मॉडल को, काइनेटिक मॉलिकुलर थ्योरी को प्रपोज किया था, एंड दिस थ्योरी वाज फर्दर एक्सटेंडेड बाय क्लॉसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन एंड अदर्स। बाद में उस थ्योरी में थोड़ा सा और सुधार हुआ उस मॉडल में, और उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट किया गया उसमें इनके द्वारा, और दूसरे कई सारे साइंटिस्ट थे उनके आइडियाज़ थे, उनको सभी को इसमें भी ऐड किया गया। तो इसके बेसिक पोस्टुलेट क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या हैं इस थ्योरी के? फर्स्ट पोस्टुलेट है, फर्स्ट था इसमें, कि ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल। हर एक गैसेस किससे मिलकर के बनी हुई हैं? एटम और मॉलिक्यूल्स, मीन्स दीज आर द माइन्यूट पार्टिकल्स जिससे कोई भी गैस बनती है। यदि आपने मान लीजिए कि 100 ml गैस लिया, या 100 ml कंटेनर में कोई गैस भर ली, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। अब यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर देखते हैं, तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये सेकेंड पॉस्टुलेट था, कि यदि हम मान लीजिए कि टोटल वॉल्यूम ले रहे हैं जिस भी कंटेनर का, और उससे कंपेयर करें सिंगल मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को, तो लगभग नेग्लिजिबल पाएंगे। एक लीटर है, एक लीटर में एक मॉलिक्यूल बहुत छोटा सा है, उसका तो हम ऐसे ही मान लेते हैं कि ये ना के बराबर है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल है इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इसका मतलब है कि यदि हमने उस कंटेनर के अंदर सिंगल मॉलिक्यूल लिया, तो वो हमारे लिए वॉल्यूम उसका कितना हो जाएगा? जीरो। लेकिन ऐसा क्योंकि एक एक यदि हम सिंगल सिंगल सभी मॉलिक्यूल का जीरो करते जाएंगे, तो हम यदि 100 molecule ले लें, इसका मतलब है कि उनका वॉल्यूम भी जीरो। लेकिन 100 के लिए नहीं था, ये सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, यदि सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो जीरो हो जाएगा। क्यों मान लिया जाता है? क्योंकि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाई लार्ज डिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, एंड उनके बीच में एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। एम्प्टी स्पेस जो है मॉलिक्यूल के बीच में सोलार, देयरफॉर कंसीडर एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल, जबकि होता नहीं है, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल यदि वो मैटर है तो वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं हो सकता है, सिर्फ कंसीडर किया गया है एक्चुअल वॉल्यूम को कैलकुलेशन पर्पज से। थर्ड इसके बाद पोस्टुलेट था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स, वो कभी भी रेस्ट में नहीं आते हैं, मीन्स दे आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ कंटिन्यूस एंड रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। हर एक डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, और लगातार मूव करते रहते हैं एंड ड्यूरिंग मोशन। अब जब वो मोशन कर रहे हैं, तो उनके लिए तो वॉल्यूम एक फिक्स है, इसी वॉल्यूम के अंदर ही रहना है। दे कीप कोलाइडिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, और टकराने से डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है, एनर्जी भी चेंज हो जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी चलता है। दो जब टकराते हैं, तो हो सकता है कि जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज़्यादा थी, वो अपनी एनर्जी कम, लेस एनर्जेटिक मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देता है। तो कोलाइडिंग विद वन अनदर एंड आल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड दस चेंज देयर डायरेक्शंस, और इसके द्वारा मॉलिक्यूल्स डायरेक्शन को लगातार चेंज करते रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इसी से है यह, कि जब वो कोलाइड करते हैं, तो एनर्जी मान लीजिए ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन दो मॉलिक्यूल यदि आपस में टकरा रहे हैं, तो कभी ए का ज़्यादा था, कभी बी का ज़्यादा हो गया, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर भी ये फॉलो करते हैं। फोर्थ है, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। जितने भी मतलब मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं, तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। जब आपस में दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, या वॉल के साथ कोलाइड हो रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। हाउएवर देयर मे बी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, जबकि वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे आप जनरली बॉल भी यदि इसी तरह से देखते हैं, एक बॉल है जिसकी मान लीजिए कि वेलोसिटी है v1, और दूसरी बॉल है जिसकी वेलोसिटी है v2, और ये हो कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तब क्या होता है, ये स्पीड से जाएगी और कुछ समय के बाद इसको जो है हिट कर देगी, क्योंकि ये स्लो जा रही है और ये फास्ट जा रही है। तो होगा क्या कि ये वाली बॉल जो है फास्ट हो जाएगी, जबकि ये वाली फिर स्लो हो जाती है। तो इसी तरह से मॉलिक्यूल्स में भी है कि यदि मान लीजिए कि एक की एनर्जी है E1 और दूसरे की एनर्जी है E2, और ऐसा हो कि
कि ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, एनर्जी ई वन ज़्यादा है ई टू के कंपैरिजन में, और दोनों मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड होंगे तब ये हो सकता है कि ई वन की वैल्यू, जैसे कोलिजन से पहले क्या है ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये ऐसा भी हो सकता है ई वन इज लेसर देन ई टू, मतलब अब ई टू की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ई वन कम हो सकती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है कि हमेशा ही होती है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, दोनों की इक्वल हो सकती है, किसी जो पहले ज़्यादा था उसके भी ज़्यादा ही रह सकती है, ना पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो पाए। इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी कंजर्व ही रहती है, वहाँ पर कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का, सिर्फ मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल रीडिस्ट्रीब्यूशन होता रहता है। फिफ्थ है, देयर आर नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसियस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते हैं आइडियल कंडीशन में। देयर आर नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब है कि यदि कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं है, एक मॉलिक्यूल दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली वह मूव कर सकता है, तो पूरी तरह से यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनादर, एक दूसरे पर बिना डिपेंड किए ये आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता उनके बीच में तो फिर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल स्पीड से जा रहा है लेकिन दूसरा उसको खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बताया गया कि कोई फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन नहीं है, बट एक्चुअल जो रियल गैसेस है, रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता है, रियल गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, भले वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है लेकिन फिर भी अट्रैक्शन वहाँ पर पाया जाता है। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में नो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट पोस्टुलेट है, द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। जो गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है किसी कंटेनर पर वो किसकी वजह से है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स फोर्सफुली क्या होते हैं, कंटेनर की वॉल से हिट होते हैं, टकराते हैं, और जब हम इसको फोर्स पर यूनिट एरिया निकालते हैं, मान लीजिए इस एरिया में कितना फोर्स लग रहा है गैसेस मॉलिक्यूल्स को, वो कैलकुलेट कर लेंगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है गैसेस के द्वारा वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर पर यूनिट एरिया। सेवेंथ है, पोस्टुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल की, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, और यदि हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी घटती जाती है। तो ये थे मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन भी दिया गया, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के पोस्टुलेट्स के बेसिस पर एक इक्वेशन दिया गया जो कि काइनेटिक गैस इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। काइनेटिक गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन यू स्क्वायर बार, वी इज द वॉल्यूम, P is the pressure, M is the mass of a molecule, single molecule का mass होता है M, U is the root mean square velocity of the molecules, ये molecules की root mean square velocity होती है, N is the number of molecules in V volume, capital N है, यह V volume में कितने number of molecules है ये है। तो इस तरह से यहाँ पर ये kinetic gas equation है जो कि अबव पोस्टुलेट्स जो आपने पढ़े हुए हैं उनके आधार पर इसको डेराइव किया गया है। इससे हम दूसरे और भी एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कितना होता है, और इसी के द्वारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के द्वारा ही एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है बॉयल्स लॉ के लिए, चार्ल्स लॉ के लिए, डाल्टन्स लॉ, इन सभी को मतलब करेक्टली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अलावा जनरली लेकिन ये जो है सभी आइडियल गैस के लिए होता है, और आइडियल गैस तो पाई नहीं जाती हैं, तो हम जनरली रियल गैस के बारे में ही पढ़ते हैं, और जब रियल गैस के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ फॉल्टी एजप्शंस भी होते हैं, तो हम इसको बाकी जब रियल गैस के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी देखिए
एक दो न्यूमेरिकल्स के बारे में किस तरह से उनको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन है एक, व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 0.8 बार प्रेशर एंड 2.0 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए 1 लीटर ऑफ वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखिए दो गैस दिया गया है, एक तो दिया गया है कौन सा, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस में क्या क्या गिवन है, 0.5 लीटर वॉल्यूम दिया गया है, मतलब V1 लेंगे तो 0.5 लीटर हो जाएगा और प्रेशर है P1 इज इक्वल टू 0.8 बार। ये हाइड्रोजन के लिए है, ये गिवन है। लेकिन ये प्रेशर कब का है, जब 0.5 लीटर वॉल्यूम है। अब लेकिन इसी गैस को कितने में इंट्रोड्यूस किया गया है, इन 1 लीटर ऑफ वेसल। ये यहाँ पर हम इसको 1 लीटर वेसल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब इसके लिए V2 हो गया कितना, 1 लीटर। तब इसका प्रेशर तो चेंज हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको हम वायल्स ला अप्लाई करेंगे प्रेशर निकालने के लिए, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप किससे होता है, वायल्स ला से है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये बॉयल्स ला अप्लाई कर देंगे, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो देखिए हमें यहाँ से P2 भी पता चल जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1V1 अपॉन V2। इसमें वैल्यू रख दीजिए, P1 कितना दिया गया है, 0.8 बार, 0.5 और V2 है 1, मीन्स P2 ये किसके लिए है, हाइड्रोजन गैस के लिए। जो 1 लीटर में जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तब प्रेशर हो जाएगा 0.40 बार। ये मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा 0.40 बार। तो ये तो मिल गया एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा P2, पार्शियल प्रेशर है। इसी तरह से हम अभी हमको क्योंकि एक तो टोटल प्रेशर फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर, तो उसके लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का भी नहीं मालूम है, इसी मेथड के द्वारा ऑक्सीजन का भी फाइंड कर लेंगे। ऑक्सीजन के लिए देखिए जैसे 2.0 लीटर दिया है, मतलब इसके लिए V1 हो जाएगा 2.0 लीटर और उस समय प्रेशर है 0.7 बार। जब लेकिन इसको भी क्या किया गया है, 1 लीटर कंटेनर में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तब इसके लिए मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, इसमें भी वही सेम इक्वेशन बॉयल्स ला लगाना है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और इसके लिए भी P2 हो जाएगा P1 इंटू V1 अपॉन V2। तो P1 की वैल्यू यहाँ पर है 0.7, V1 दिया गया है 2 लीटर अपॉन 1 लीटर, और इस तरह से यहाँ पर हमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, मिस PO2, वो PO2 मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1.40 बार। तो ये हो गया। अभी यहाँ से आप टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन देखिए कैलकुलेट किया हुआ था 0.40 बार प्लस 1.40 बार, तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा 1.80 बार। मीन्स जब आप इस गैस को, इन दोनों गैसेस को 1 लीटर कंटेनर में यदि इंट्रोड्यूस करते हैं अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग वॉल्यूम के, तब हमें उस गैस के मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होगा 1.80 बार के इक्वल होगा। मीन्स ये हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये इनको सॉल्व करना है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए मिक्सचर ऑफ 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
इन ए 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क। यदि हम 9 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क कंटेनर में क्या करते हैं, 3.2 ग्राम मीथेन रखते हैं और 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, तो उस फ्लास्क में कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, मीन्स उसका टोटल प्रेशर कितना होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या फाइंड, टोटल प्रेशर निकालने से पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके लिए तो आइडियल गैस इक्वेशन से ही कैलकुलेट किया जाता है, PV इज इक्वल टू NRT, मीन्स P इज इक्वल टू हो जाएगा NRT/V। ये इक्वेशन पर हम वैल्यूज को रखेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए है, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर और वॉल्यूम। और ये टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, अच्छा यहाँ पर दिया गया है एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस को भी हम इसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो N इज इक्वल टू गिविन मास अपॉन मोलर मास, गिविन मास दिया गया है 3.2 और मीथेन का मोलर मास कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा 12 + 4 = 16। तो 3.2/16 N इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 0.02, तो ये हो जाएगा 0.02 मोल्स। अब ये वैल्यू इसी में रख देंगे, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ये किसके लिए था N, ये हमने मीथेन के लिए मोल्स फाइंड किए हुए हैं अभी, मोल्स ऑफ मीथेन, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन हो जाएगा N मीन्स 0.02 R। एक्चुअल में ये डेसीमीटर क्यूब में दिया गया है वॉल्यूम, तो हम R की वैल्यू रखेंगे 0.08314 डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। बार में मतलब जो भी प्रेशर आएगा वो यहाँ पर बार में लेना है। 0.0831 भी रख सकते हैं, 4 रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लंबे ज़्यादा डिजिट्स जाने की। टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस कर देंगे तो 273 + 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। तो इसे हम केल्विन में रखेंगे, 300 / वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 9 डेसीमीटर क्यूब। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन आ जाएगा 0.0554 bar। तो ये तो हो गया किसके लिए, मीथेन के लिए। इसी तरह से हमें सेम किसके लिए फाइंड करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो हम सबसे पहले तो मोल्स फाइंड कर लेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू गिविन मास अपॉन मोलर मास, गिविन मास है 4.4 और मोलर मास होता है कार्बन डाइऑक्साइड का 12 + 16 × 2 मतलब 32, तो 12 + 32 इज इक्वल टू 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.4 / 44 इज इक्वल टू, तो N मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया 0.1 मोल। इसको डिवाइड कर लेंगे 0.1 मोल, और इसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसी से फाइंड कर लेंगे, इस इक्वेशन से NRT/V और N मोल्स 0.0831 × 300/9। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 0.277 bar, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना आंसर हो जाएगा 0.277 bar। इसके बाद अब हमें टोटल प्रेशर फाइंड करना है, तो टोटल प्रेशर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहाँ अप्लाई कर देंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर हो जाएगा, मीथेन का था पार्शियल प्रेशर 0.0554 bar प्लस 0.277, तो टोटल प्रेशर ये हो जाएगा 0.322
4 बार, तो ये टोटल प्रेशर आ गया यहाँ पर 0.3224 बार। तो इस तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल है होते हैं सॉल्व करना इनको। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन ए शिप सेलिंग इन ए पैसिफिक ओशियन, एक शिप सेलिंग कर रहा है पैसिफिक ओशियन में, वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ का टेम्परेचर दिया गया है 23.4 डिग्री सेल्सियस, ए बैलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर, वहाँ पर यदि हम बैलून भरते हैं तो वहाँ पर कितना है उसका वॉल्यूम 2 लीटर है इस टेम्परेचर पर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून व्हेन द शिप रीचेस इंडियन ओशियन, वही शिप जब इंडियन ओशियन पहुँचता है जहाँ का टेम्परेचर, वेयर द टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस, तब उस बैलून का वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप है, इसमें हम चार्ल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम चार्ल्स लॉ आपने ये पढ़ा हुआ था, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या ये इक्वेशन V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो सिंपल है, V1 पहले वॉल्यूम देखिए कितना था 2 लीटर इंडियन ओशियन में, तब टेम्परेचर था 23.4 का मतलब है प्लस 273 मीन्स 296.4 केल्विन, इसको केल्विन में रखना पड़ेगा, तो 296.4 केल्विन। अब कितना वॉल्यूम हो जाएगा जब टेम्परेचर कितना हो गया है 26.1 मीन्स प्लस 273.1992 डिग्री यदि हो जाता है टेम्परेचर, तो वॉल्यूम क्या होगा। अब जब टेम्परेचर बढ़ा है तो निश्चित है कि वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा, तब V2 इज इक्वल टू आप यहाँ ये कैलकुलेट कर पाएंगे 2/296.4 मल्टीप्लाइड बाई 299.1, और V2 इज इक्वल टू देखिए इस पूरे को सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2.018 लीटर। तो पहले जब टेम्परेचर कम था वॉल्यूम भी कम था, अभी टेम्परेचर बढ़ गया तो ये वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। चार्ल्स लॉ को यहाँ पर अप्लाई करने से हम टेम्परेचर कैलकुलेट या वॉल्यूम कैलकुलेट इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो क्वेश्चन देखेंगे, ए सिलेंडर कंटेनिंग कुकिंग गैस कैन विद स्टैंड ए प्रेशर ऑफ 14.9 एटमॉस्फेयर, द प्रेशर गेज ऑफ द सिलेंडर इंडिकेट्स 12 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू सडन फायर इन द बिल्डिंग टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, एट व्हाट टेम्परेचर विल द सिलेंडर एक्सप्लोड। देखिए एक सिलेंडर है जिसमें मैक्सिमम प्रेशर कहाँ तक वह स्टैंड कर सकता है, विद स्टैंड मतलब फट नहीं सकता है, 14.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यदि प्रेशर उसका आ जाता है तो एक्सप्लोड हो जाएगा, 14.9 से पहले ये एक्सप्लोड नहीं होगा। अब अभी जो प्रेशर गेज जो उसमें लगा हुआ है उस 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दिखा रहा है 12 atm, और तुरंत ही अचानक से आग लग जाती है बिल्डिंग में तो वहाँ का टेम्परेचर निश्चित है कि राइज हो जाएगा, 27 से आगे बढ़ेगा, तो किस टेम्परेचर पर जा करके सिलेंडर एक्सप्लोड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और जब टोटल प्रेशर वहाँ का मतलब सिलेंडर का 14.9 पहुँच जाएगा तो सिलेंडर एक्सप्लोड जाएगा। तो ये बताना है कि 14.9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस टेम्परेचर पर ये मेंटेन हो पाएगा, और इसके लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप लगाना पड़ेगा गेलुशेक्स लॉ के द्वारा जो दिया गया है, और उसमें यह है कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर भी बढ़ता है, मतलब P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और P इज इक्वल टू KT। और यदि हम गेलुशेक्स लॉ देखते हैं तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये गेलुशेक्स लॉ का कंडीशन हो जाएगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 एट कॉन्स्टेंट
वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब P1 कितना दिया गया है, मतलब जो यदि हम गिवन कंडीशन इसकी देखेंगे तो P1 दिया है 14.9 atm और टेम्परेचर, सॉरी P1 दिया गया है 12 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, कितने टेम्परेचर पर, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन पर। अब यह है कि P2 जो दूसरी कंडीशन है वो है 14.9 atm, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। ये गिवन कंडीशंस हैं और इस पर बताना है कि टेम्परेचर क्या है। तो इसके लिए गैल उच्चकला लगाइए, P1 इज इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए 12, टेम्परेचर है 300, P2 की वैल्यू दी है 14.9 और टेम्परेचर हमें T2 कैलकुलेट करना है। तो T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 14.9 इंटू 300 बाई 12। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा ये 372.5। इस टेम्परेचर पर जाकर के ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा या एक्सप्लोड हो जाएगा 372.5 पर। तो 372.5 का मतलब है, इसमें से हम माइनस यदि 273 कर दें तो ये हो जाएगा 99.5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 99.5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, तब जाकर के ये जिस मैक्सिमम प्रेशर जो 14.9 तक ही मतलब वेयर कर सकता है वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमको डिफरेंट गैस लॉस, आइडियल गैस इक्वेशन और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन सब के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है और ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो है कॉम्पिटिटिव लेवल से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।